स्टार्ट करवाया, उन्होंने मुझे लिखना सिखाया। किसने लिखना सिखाया था? मेरे अब्बू ने। अब्बू क्या करते हैं आपके? मेरे अब्बू मजदूर हैं, कहते थे कि ये क्या करेगी, कैसे करेगी, पेपर से ज़्यादा सबका ध्यान मुझे भी होता था, तो मगर फिर भी मैं अपना पेपर कर लेती थी क्लियर। मेरा मिशन ये है कि मैं अपने एक इदारा बनाऊँ जिसमें मैं खुद जैसे बच्चों और जो बच्चे अपनी फीस पे नहीं कर सकते उन जैसे बच्चों को तालीम दूँ। जी इसके इंटरव्यू तो काफ़ी बहुत हो गए हैं, लेकिन अभी जो इसको रिस्पांस मिलना चाहिए ना वो नहीं मिल रहा ना। अभी इसके तकरीबन पढ़ाई में जो वो भी मसला हो रहा है, यूनिवर्सिटी में भी वो सीसीज हमारी गवर्नमेंट है इनको चाहिए जो कि ऐसे बच्चों को मतलब पढ़ाने या उनकी ज़िम्मेदारी उठाए या ऐसे के एक इदारा बनाए जो ऐसे बच्चों को मतलब अपनी हर चीज़ अफोर्ड कर सके। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वन पॉइंट के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान चंदा बुखारी। नाज़रीन, हम अक्सर बाज़ औक़ात आपके सामने बहुत सारी मोटिवेशनल स्टोरीज़ रखते रहते हैं, लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी लाहौर की बहादुर और बाहिम्मत लड़की से मिलवाने जा रही हूँ जिसका नाम समीना है, और ये सिर्फ़ और सिर्फ अपने पैरों से लिखती हैं, और पैरों से लिखते ही इन्होंने नर्सरी क्लास से स्टार्ट किया और अपना ये जो मिशन है आईकॉम तक इन्होंने पूरा किया। लेकिन अभी इनका जो मेन मिशन है वो अभी तक पूरा नहीं हो सका। हम इनसे मज़ीद मालूमात लेते हैं और इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो समीना? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। अच्छा समीना, सबसे पहले तो आपको हम जो है ना काफ़ी ज़्यादा सहराते हैं। आप एक मोटिवेशनल हो, पूरे पाकिस्तान के लिए एक मोटिवेशन हो, स्पेशली जो तालीम हासिल नहीं कर सकते बच्चे उनके लिए भी और जो माजूर है उनके लिए भी। अच्छा मुझे सबसे पहले ये बताओ कि आपने किस तरह से एक अंदर आपके मोटिवेशन था कि आपने तालीम हासिल करनी है, स्टार्ट कैसे किया? मेरे वालदे ने मुझे स्टार्ट करवाया, उन्होंने मुझे लिखना सिखाया। किसने लिखना सिखाया था? मेरे अब्बू ने। अब्बू क्या करते हैं आपके? मेरे अब्बू मजदूर हैं। नाज़रीन, ये भी एक बहुत ही फ़ख्र की बात है कि इनके पापा जो है मज़दूर हैं और उन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट की अपनी बेटी को। तो आपने स्कूल जब जाती थी तो क्या टीचर्स का या बच्चों का क्या रद्दमल होता था, रिएक्शन क्या होता था उनका, मुश्किलात पेश आती थी? शुरू शुरू में तो देख के सब हैरान होते थे, पहले तो एडमिशन ही नहीं होता था, जब एडमिशन होता था तो कहते थे कैसे करेगी क्या करेगी, और जब मुझे लिखता देखते उन्होंने टेस्ट लिए तो फिर उन लोगों ने मुझे एडमिशन भी दिया और अप्रिशिएट भी किया। बात कॉलेज जब गई, कॉलेज में क्या रहते मल था? कॉलेज जाऊं या कहीं भी जाऊं, शुरू में देख के तो हैरान होते हैं और बोलते हैं इसके तो हाथ में, ये क्या करेगी कैसे करेगी, और जब अंत में जब मुझे लिखता देखते हैं या मुझे पढ़ता देखते हैं फिर वो मुझे अप्रिशिएट करते हैं, खुश होते हैं। अच्छा समीना, मुझे ये भी बताओ कि आपके साथ कोई हादसा हुआ था या इसी तरह से आप पैदाइशी इसी तरह से था, क्या सीन था? जब मैं पैदा हुई थी तभी नहीं थे, बचपन से ही नहीं है। घर के काम वगैरह कौन करता है, मतलब आपकी भी हेल्प करनी हो तो कौन आपकी मदद करता है? मेरी मम्मी और छोटी सिस्टर है वो करती हैं। तो कभी अगर बाहर जाना हो मम्मी का या कहीं और, फिर घर में आपके पास कौन होता है? मम्मी छोटी को मेरे पास छोड़ के जाती, तो मेरे पास ही होती है। अच्छा, आपने आईकॉम कर लिया? जी मैंने आईकॉम कर लिया जी। ये बताओ कि पेपर्स जब देने जाते थे वहाँ पे लोगों का क्या रहता था, लोग सपोर्ट करते थे या वहाँ पे भी आपको कौन कौन सी, क्योंकि बोर्ड में आपको पता है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस भी होती है, वहाँ पे किस तरह से हुआ? वहाँ तो सब हैरत की नज़रों से देखते थे कि ये क्या करेगी कैसे करेगी, पेपर से ज़्यादा सबका ध्यान मुझे भी होता था, तो मगर फिर भी मैं अपना पेपर कर लेती थी क्लियर। फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा था? फेवरेट मेरा बैंकिंग। बैंकिंग जी। आगे क्या सोचा हुआ है? आगे मैंने अपना बीकॉम क्लियर करके अपना स्टडी क्लियर करनी है, उसके बाद अपना एक स्कूल बनाना है। मतलब आपका जो मिशन है वो क्या है? मेरा मिशन ये है कि मैं अपना एक इदारा बनाऊँ जिसमें मैं खुद जैसे बच्चों और जो बच्चे अपनी फीस पे नहीं कर सकते उन जैसे बच्चों को तालीम दूँ, उनका सहारा बनूँ। कभी ऐसा हुआ है कि आप मतलब स्कूल में आप जैसे बता रहे हो कि पहले वो नहीं करते थे लेकिन बाद में आपको उन्होंने काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट भी किया? अच्छा मेरा एक और सवाल आपसे ये है कि आगे आपने एडमिशन की बात की तो उन्होंने आगे से क्या रिएक्शन किया, मतलब आपने एडमिशन क्यों नहीं लिया अभी तक, इस तरह से कुछ? यही वो लोग फ़ीस बहुत ज़्यादा बता रहे हैं और इतने हमारे अखराजात नहीं हैं कि हम वो फ़ीस अफोर्ड कर सकते उसे पूरा कर सकें, तो बस इसीलिए। मैंने आपके इतने इंटरव्यू भी हो चुके हैं, कोई आपकी मदद के लिए आया या किसी ने भी सपोर्ट किया? भाई को पता भी तो नहीं किया भी या कुछ नहीं तो भी नहीं। जी नाज़रीन, आपने समीना की बात सुनी, काफ़ी ज़्यादा ये जो मोटिवेशनल है हम सब के लिए, पूरे पाकिस्तान के लिए, कि आखिर एक लड़की, एक और कितनी बहादुर लड़की जिसने अपने पैरों से
जो अपने पैरों से लिखती है और पैरों से लिखने से अगर उन्होंने नर्सरी से लेकर आईकॉम कंप्लीट कर लिया और आगे भी इनका मिशन जो है वो इंशाल्लाह ताला जरूर पूरा होगा। हमारे साथ समीना के भाई मौजूद हैं, उनसे भी बात। नाज़रीन, मेरे साथ समीना के बड़े भाई इफ्तिखार मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है। आप सुनाएं, आप? मैं भी बहुत अच्छी हूँ, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा सर, सबसे पहले तो मेरा आपसे एक सवाल भी बनता है और एक आपके लिए फ़ख्र की बात है कि आपकी बहन माशाल्लाह से किस तरह से उसने मेरी तालीम हासिल की है, क्या कहना चाहते हैं? जी, हमें बहुत खुशी होती है जब हम इसको देखते हैं ना कामयाब होते हुए, जब लोग हमें ये कहते हैं कि आपकी बहन है या आपकी बेटी है आज इस मुकाम पे, दिल ही खुशी होती है। और हम भी बहुत अच्छे से, मतलब हमें भी प्राउड फील होता है कि हमारी बहन इस मुकाम पे आज पहुंच गई अल्हम्दुलिल्लाह, और आगे जो इसने देखा होगा अपना ड्रीम वो भी इंशाल्लाह पूरा करेंगे, अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। बताएं कि किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है इसके ड्रीम को मुकम्मल होने में? इतने इंटरव्यूज़ भी आपकी सिस्टर के जैसा कि हो चुके हैं, तो इस बारे में कुछ हमें बताएं। जी, इसके इंटरव्यू तो काफ़ी बहुत हो गए हैं, लेकिन अभी जो इसको रिस्पांस मिलना चाहिए ना वो नहीं मिल रहा ना। अभी इसके तकरीबन पढ़ाई में जो वो भी मसला हो रहा है, यूनिवर्सिटी में भी बहुत सीसीज हैं और इसके आने जाने में भी मतलब मुश्किल होती है, और हमारे इतने अखराजात नहीं हैं। अभी इसको आईक्यूम क्लियर करवा दिया हुआ है और अब तक हम जितने तक थे हमने करवा दिया। अब आगे अल्लाह का करम है, ये जो भी हमारी गवर्नमेंट है इनको चाहिए जो कि ऐसे बच्चों को मतलब पढ़ाने या उनकी ज़िम्मेदारी उठाए या ऐसे के इदारा बनाए जो ऐसे बच्चों को मतलब अपनी हर चीज़ अफोर्ड कर सके। जो इदारे लाहौर में इस तरह के मौजूद हैं, आपने वहाँ पर रजू किया? हमने रजू किया था वहाँ पे, लेकिन वो कोई ख़ास रिस्पांस नहीं मिलता था ना, इस वजह से फिर मैं हमने नहीं लेके गई। और ये भी कहती फिर मैंने खुद ही पढ़ना है और खुद ही करना है अल्हम्दुलिल्लाह। अभी इसने आईकॉम किया, अभी आगे भी गवर्नमेंट से भी अपील है कि ऐसे बच्चों को उनका हक देना चाहिए और आगे उनको सपोर्ट करनी चाहिए। और इसका ड्रीम भी है कि मैंने अपना स्कूल बनाना है और ऐसे बच्चों को पढ़ाना जो अपना नहीं पढ़ सकते या अपना फीस अफोर्ड नहीं कर सकते। वो जब आप एडमिशन के लिए जाते हैं, वो फीसिस की वजह से आप लोग अभी तक नहीं एडमिशन करवा सके या कोई और बातें भी होती हैं? जी, ये फीसिस की वजह से बहुत ज़्यादा फीसिस हैं यूनिवर्सिटी की, और आगे आपको भी पता ही है पाकिस्तान है, इधर से एक्सपेंसिव भी बहुत ज़्यादा हैं, फिर आने जाने का भी खर्चा। और बाज का हम कभी मैं काम पर गया होता हूँ, मुझे नहीं टाइम मिलता इसको छोड़ के आने का, कभी अबू के पास नहीं होता, तो फिर ऐसे चल रहा है। अभी फ़िलहाल इसका नहीं करवाया, तो अभी कोशिश कर रहे हैं कि अल्लाह भाई बेहतर करे, कोई ना कोई इसकी हेल्प हो जाए तो हम इसका एडमिशन वगैरह करवाएं। तो सर, मुझे बताइएगा कि आपको और किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, जैसा कि आपने बताया कि घर भी आपका अपना नहीं है, तो इस हवाले से भी थोड़ा गाइड कीजिए। जी, घर भी मतलब इसके भी अभी आधे पैसे दिए हुए हैं, अभी आधे देने हैं, तो वैसे निज़ाम चल रहा है, इतने वसाइल नहीं है कि हम इसको आगे और पढ़ा सकें। हम यही चाहते हैं कि या गवर्नमेंट इसकी कोई मुआवजा लगा दे या इसको मतलब इसका ड्रीम पूरा करने में इसकी हेल्प करे, आगे ये देख लें गवर्नमेंट भी मतलब ऐसे बच्चों को, उनको चाहिए कि उनका ख्याल रखे, उनको इनका हक दे। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने समीना की बात भी सुनी, समीना का ड्रीम भी सुना, जो कि बिल्कुल इसका जायज़ ड्रीम है, और ये पूरे पाकिस्तान के लिए, पूरे पाकिस्तान में खास तौर पे जो इस तरह से बच्चे मौजूद हैं उनके लिए एक मोटिवेशन है। और मैं आला अफसरान से, हुकामवाला से, आला जो हमारे अफसरान बैठे हैं, मैं उन सबसे यही अपील करना चाहती हूँ कि द्वारा समीना की मदद की जाए ताकि इन बच्चों को सपोर्ट किया जाए, ताकि और मज़ीद बच्चे भी हैं उनके अंदर भी एक तालीम हासिल करने का जो जज्बा है वो भी पूरा हो सके। अपनी मेज़बान चंदा बुखारी को दीजिए इजाज़त और देखते रहिए 1 पॉइंट।